गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए मेरा बाबू कहाँ गया, ये। सो फ्रेंड्स, आज मैं कोई व्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज मैं अपना होम टूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और जैसा भी है जो भी है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी क्योंकि ये रेंटेड अपार्टमेंट है तो मैं ज़्यादा इसमें सामान कुछ नहीं करना चाहती, तो मेरे पास जितना भी है जैसे भी मैंने अरेंज किया है उसी तरह से आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और मेरा होम टूर का वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। छठ पूजा आ रहा है तो मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपना होम टूर। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा एंट्रेंस गेट और मैंने कुछ इस तरह से सजाया हुआ है, ज़्यादा डेकोरेट नहीं की हूँ, जो भी मेरे पास था उसी से मैंने डेकोरेट कर दिया हुआ है। तो ये दो लड़ी थी फूलों की वो लगा दी हूँ और ऊपर से तोरण लगा दी हूँ। और ये है मेरा शूज़ रेक और इसके ऊपर मैंने ये बेडशीट को कट करके कुछ इस तरह से इसका कवर बनाया है। उसके बाद जैसे ही एंट्री करेंगे हम, और ये है पर्दा और इसको हटाते ही सामने ही दिख जाता है हमारा सोफ़ा। इस तरफ घुसते ही सामने यहाँ पर रखा हुआ है मैंने अपना सोफ़ा, और इसको मैं जब ले आई थी ना तो मैं तीन साइड से रखी थी, पर उसमें थोड़ी सी कंजस्टेड हो जा रहा था, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही थी, बाबू के गिरने का डर था। तो मैंने इस सोफ़े को ऐसे एल शेप में लगा दिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने अपना सेंटर टेबल रख दिया हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ से गेट से एंटर होते हैं तो इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में इस तरह से मैं टी वी लगाई हूँ, और यहाँ पर एक ये छोटा सा डी आई वाई करके मैं इसको हैंग कर दी हूँ। इसके ऊपर मैंने दो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, और इसके ऊपर ही मैंने अपना सेटअप बॉक्स और रिमोट वगैरह रखने के लिए जगह कर दी है। और ये है मेरी टीवी। और उसके बाद जैसे ही इधर को घूमेंगे, इधर मैं आयुषी के ये बचपन की है फ़ोटो, बचपन की तो नहीं है, जब ये 3 ईयर्स की थी उस टाइम की है, और जब ये 2 ईयर्स की थी उस टाइम की है। तो ये इधर मैं फ़ोटो लगा रखी हूँ, और एक ये है बोर्ड, इस पर आयुषी अपनी पढ़ाई वगैरह करती है। तो कुछ इस तरह का है मेरा हॉल, ये इसका है। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बड़ा है क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा कुछ सामान नहीं है। तो ये मेरा पूरा हॉल, इतना बड़ा हॉल है, और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखी हूँ, बस ये एक सोफ़ा रखी हूँ। और आप लोगों को पूरे चारों तरफ से घुमा के दिखा देती हूँ, तो कुछ इस तरह का है। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ हॉल से अंदर को एंट्री करते हैं तो इधर राइट साइड में है मेरा किचन, जो कि बहुत ही प्यारा सा छोटा सा किचन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ये भी ठीक है। और यहाँ पे अभी मैंने दूध चढ़ा रखा हुआ है बॉयल होने के लिए। तो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन। उसके बाद जब हम किचन से निकलते हैं तो यहाँ पे ये दिया हुआ है डाइनिंग एरिया, तो डाइनिंग हॉल के लिए। तो फिर मेरे पास अभी डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास दो कूलर हैं, तो उन दोनों कूलर को मैं ऐसे रख के और उसके ऊपर से कुछ इस तरह से मैंने चद्दर से इसको कवर कर दिया हुआ है, तो ये मतलब अच्छा लगता है। और इसके ऊपर बैग हैं आयुषी के, गोलू के, ये लोग अपने बैग्स वगैरह ला के रखते हैं। तो ये पूरा इतना बड़ा सा डाइनिंग हॉल दिया हुआ है, और ये सब जो कहीं कहीं साइड में आप लोगों को फ्रेंड्स ये सीलन की वजह से टूटा फूटा हुआ दिख रहा होगा, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये हमारा अपना घर नहीं है, रेंटेड अपार्टमेंट है, तो हम इसमें कुछ नहीं करा सकते हैं, हमारे ऑनर ने मना किया हुआ है, वो खुद ही करवाएंगे। उसके बाद किचन से जस्ट सामने एक ये बेडरूम है, तो इसमें मैं अपना ये छोटा सा 4x6 का बेड लगा रखी हूँ। और उसके बाद इस रूम में जैसे ही आएंगे तो इधर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पे है मेरा प्यारा सा छोटा सा मंदिर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही नवरात्रि में इस मंदिर का टूर भी कराया है, और पूरा मंदिर ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई हूँ मैं। और यहाँ पे है एक बड़ी सी खिड़की। उसके बाद जैसे ही इधर का ये हम लोग जैसे भी डोर ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर है बहुत ही अच्छी सी बालकनी, खुली सी, बहुत अच्छी हवा आती है, सनलाइट भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। तो ये है बालकनी ऐसी कुछ, और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है प्यारा सा फ्लावर। उसके बाद
इस साइड में है ये खूब बड़ी सी कबर्ड दिया हुआ है, इसमें बड़ी सी अलमारी है और इसके अंदर मेरे सारे कपड़े, सब लोगों के कपड़े वगैरह सब आ जाते हैं। और कुछ इस तरह से है ये रूम चारों तरफ से, और इसमें ना इधर भी सिलाना फ्रिज, इन सब चीज़ों को आप लोग इग्नोर करिएगा। तो कुछ इस तरह से ये रूम दिखता है चारों तरफ से, और मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो बच्चे भी पीछे पीछे घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये रूम दिखता है। तो मैं यहाँ से आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे से कि ये है एक मेरा फर्स्ट बेडरूम। तो चलिए, हाँ बेटा, तो चलिए जैसे फिर इस बेडरूम से निकलेंगे तो यहाँ पे यही डाइनिंग हॉल ही आ जाता है। डाइनिंग हॉल है और डाइनिंग हॉल के उस साइड किचन है और डाइनिंग हॉल के उस साइड एक बेडरूम है। फिर इधर साइड आएंगे हम जैसे तो ये है मेरा दूसरा बेडरूम, मास्टर बेडरूम। यहाँ पे लाइट्स ऑन कर देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, देखिए फ्रेंड्स, मैं इस साइड में तो कुछ भी नहीं रखी हूँ, इधर पूरा ये रूम मेरा खाली है और बस एक मैं ये बेड लगा रखी हूँ। और उसके बाद इधर है ये प्यारी सी अलमारी आयुषी की, और ऊपर जो ये आप लोग बॉक्स देख रहे हैं ना, इससे मुझे अभी DIY करना है इसलिए मैंने इसे फेंका हुआ नहीं है, ऐसे मैं अलमारी के ऊपर इस तरह से रख दी हूँ। और ये बेड लगाई हूँ मैं, और उसके बाद इधर बेड के साइड में ना एक आयुषी के ये है, छोटी थी जब उसका टेबल और चेयर है, तो ये मैं साइड में रख दी हूँ। और उसके इधर आ जाती है ये विंडो, और इधर ये है बालकनी जिसमें मैं अपनी मशीन रखी हूँ और कपड़े वगैरह धोती हूँ, अक्सर आप लोग देखते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें मैंने टमाटर का पेड़ लगाया हुआ है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे छोटे छोटे से टमाटर आ गए हैं, ये देखिए। तो ये बालकनी, अभी यहाँ पर मैं मशीन लगाई हूँ कपड़े धोने के लिए, तो अभी थोड़ी सी गंदी हो रही है, कपड़े धोने के बाद इसको साफ करूँगी। तो ये है बेडरूम, और इसमें है एक यहाँ पे वॉशरूम है। और तो ये फ्रेंड्स कुछ इस तरह से ये बेडरूम दिखता है। देखिए इस रूम में भी बच्चे आ गए हैं, वो देखिए वो वहाँ से वहाँ पहुँच गए हैं। तो ये बेडरूम मेरा कुछ इस तरह से दिखता है। और ये है गेट, ये भी डाइनिंग हॉल के जस्ट सामने है और यहाँ से हॉल है। तो फ्रेंड्स यही छोटा सा मेरा प्यारा सा आसियाना है, मेरा घर है, रेंटेड अपार्टमेंट है। तो आज मैं आप लोगों को छोटा सा होम टूर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो जैसा भी मुझे बनाने आया है उस तरह से मैं ये होम टूर वीडियो बना के और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे पास अभी ना ज़्यादा पर्दे वगैरह नहीं हैं, जैसे भी हैं जो भी हैं पहले के, उन्हीं के साथ मैं अपना काम चला रही हूँ। और नया मैं अभी कुछ भी नहीं ली हूँ इस रूम में आने के बाद, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम अभी इतने बड़े घर में रह रहे हैं तो नेक्स्ट जब अगर हम चेंज करते हैं तो हमें इतना बड़ा घर मिल जाए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अपने चीज़ों को बढ़ाई नहीं हूँ। ये सोफ़ा भी पहले हमारे पास नहीं था, इस रूम में ही आने के बाद हमने लिया, क्योंकि ये इतना बड़ा सा जो हॉल है ना ये पूरा खाली पड़ा रहता था तो अच्छा नहीं लगता था, फिर कोई भी आता था ना तो बैठने वगैरह उठने के लिए कुछ भी नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी, अच्छा नहीं लगता था ना, तो इस वजह से हमने ये सोफ़ा ले लिया हुआ है। हाँ बोलो, आ गई, चलो आ रही। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये होम टूर का वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि न्यू वीडियोज़ के न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।